स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू STS। आज अपन बात करेंगे लास्ट वीक में क्या मोमेंट हुआ मार्केट में, क्या क्या एक्शंस हुए मार्केट को, किन एक्शंस ने ड्राइव किया लास्ट वीक में, क्या मोमेंटम रहा, क्या कारण रहे उसके बारे में अपन इस वीडियोज में बात करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन निफ्टी के बारे में कि निफ्टी ने कैसा मोमेंट दिखाया लास्ट वीक में। निफ्टी लास्ट वीक में बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था, निफ्टी क्या पूरा मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था लास्ट वीक में। निफ्टी ने अप्रोक्स 1% के नेगेटिव रिटर्न दिए एक वीक में। 107.55 पॉइंट्स का डाउनफॉल रहा निफ्टी में इस पास्ट वीक में, जिसमें लो बनाया 10,557 का और हाई बनाया 10,837 का। बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल ये वीक रहा निफ्टी के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट जिस स्टॉक में हुई निफ्टी स्टॉक में, वो था हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंद पेट्रो, जिसमें लगभग अप्रोक्स 17% की गिरावट रही, 16.7%। ये सबसे ज़्यादा गिरावट निफ्टी के स्टॉक में रही हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और सबसे ज़्यादा गेन किया 5.9% जो कि भारतीय इंफ्राटेल ने गेन किया। तो ये वीक बहुत ही अनस्टेबल रहा, जिसका कारण रहा कि जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा गिरावट अगर दर्ज की हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने, तो लाइक सभी पेट्रोलियम स्टॉक लगभग 8-10% की गिरावट इस लास्ट वीक में रही, क्योंकि इसका कारण है वो अनस्टेबल एक डिसीजन था डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का। उन्होंने बोला कि इंडिया को नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को बोला कि ईरान से क्रूड का इंपोर्ट आप कम कर दो या फिर बंद कर दो। तो इसका, इस न्यूज़ का इम्पेक्ट रहा, तो सारे पेट्रोलियम स्टॉक लास्ट वीक में बहुत ही डाउन या डाउन मूव बनाया इनने। तो निफ्टी का जो वॉलेटिलिटी थी, इसका भी एक रीज़न यही था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है अमेरिका में, तो उन्होंने सबको चेतावनी दी कि आप ईरान से क्रूड का इंपोर्ट बंद कर दो, तो उसका इफेक्ट अपने हिंदुस्तान, अपने जो भारत की जो क्रूड इंपोर्ट कंपनियां हैं या क्रूड का जो रिफाइनरी कंपनियां हैं जो क्रूड को रिफाइन करके मार्केट में सेल करती है, तो उनके प्राइस पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा, क्योंकि इंडिया क्रूड, ईरान से जो क्रूड इंपोर्ट करता है, तो इंडिया थर्ड इंपोर्टर ईरान है इंडिया के लिए, एक्सपोर्टर ईरान है इंडिया के लिए। फर्स्ट सऊदी के बाद इराक और ईरान से तीसरे नंबर पर अपन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड की प्राइस पे भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि एक सेलर अगर कम हो जाता है मार्केट में, ईरान बहुत बड़ा क्रूड का सेलर है अपने इंडिया को, उससे अगर अपन क्रूड को इंपोर्ट करना कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं, तो उसकी प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये एक मेन कारण रहा मार्केट में अनस्टेबिलिटी का। निफ्टी के 22 स्टॉक ने गेन किया लास्ट वीक में, या फिर जो क्लोजिंग प्राइस थी उससे अप में क्लोज हुए, और 28 स्टॉक अपना लो प्राइस पे क्लोज हुए निफ्टी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं USD डॉलर और इंडियन रुपीस की। तो ये सेम जो न्यूज़ थी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट की कि आप ईरान से जो क्रूड इंपोर्ट है उसको बंद कर दो, तो उसका इम्पेक्ट अपने इंडियन रुपीस पे भी पड़ा, और इंडियन रुपीस ऑल टाइम लो बनाया इंडियन रुपीस ने डॉलर के मुकाबले। 59.10 रुपये तक गिर चुका था इंडियन रुपीस, बाद में रिकवरी हुई थोड़ी सी। ये 28 तारीख को हुआ, 28/6/2018 को इंडियन रुपीस ने डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो बनाया 59.10 पैसे का।
तो ये बहुत बड़ी गिरावट थी रुपए में, ये ऑल टाइम लो है। और अभी जो रिसेंटली क्लोज हुआ है 68.79 पे रुपए क्लोज हुआ है, तो ये रुपीज में है। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है, स्प्लिट अनाउंस किया था कोनाकोर और अवंती फीड्स ने, तो ये स्टॉक स्प्लिट होके कोनाकोर ने अपना 1:1 का स्प्लिट अनाउंस किया था, तो उसकी फेस वैल्यू 10-5 हो गई और स्टॉक स्प्लिट होके आधा हो गया। लाइक अगर 10,000 रुपये का स्टॉक था तो 5,000 हो गया, 100 रुपये का स्टॉक था तो 50 रुपये हो गया। तो कोनाकोर ने अपना प्राइस जो मार्केट प्राइस है स्टॉक का उसको स्प्लिट कर दिया 1:1 के रेशियो में, तो कोनाकोर जो प्राइस है उसकी उसकी प्राइस आधी अभी ट्रेड कर रही है। लाइक 1,000 रुपये का स्टॉक था तो 500 रुपये पे ट्रेड करा है, 1:1 का स्प्लिट अनाउंस किया है कोनाकोर ने। सेम लाइक अवंती फीड ने भी किया है, जिसकी ओल्ड फेस वैल्यू 2 थी, अब फेस वैल्यू 1 हो गई उसके स्टॉक की, तो इसने भी 1:1 का बोनस लाइक स्प्लिट अनाउंस किया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आईपीओस की, जो अभी आईपीओ का ऑफर या इशू ओपन है, तो फर्स्ट जो आईपीओ है गंगा फॉरगेनिंग का, जो कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है, इसका आईपीओ अभी ओपन है, इशू अभी ओपन है, जो कि क्लोज होगा 3 तारीख को। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसका इशू ओपन हुआ था 29/6/2018 को और इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। ऑफर प्राइस है इसकी 21 रुपये। ये 11 रुपये के प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है स्टॉक, 11 रुपये के प्रीमियम पे ऑफर किया जा रहा है। इसकी जो फेस वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है 10 रुपये और इसकी ऑफर प्राइस 21 रुपये है। इस गंगा फॉरगेनिंग ने 22,56,000 शेयर इशू किए हैं, ये एक पब्लिक इशू है। और दूसरा आईपीओ जो आ रहा है जकारिया फैब्रिक का, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है, फैब्रिक कंपनी है, जिसका इशू 29 तारीख को ही ओपन हुआ है। अभी तक इशू ओपन है, लास्ट जो इशू क्लोज होगा वो होगा 3/7/2018 को। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और इसको इसकी ऑफर प्राइस है, इस पर आप ऑफर इशू प्राइस है इसकी 170 रुपये। तो ये प्रीमियम पे 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है और 180 पे ये इसकी ऑफर प्राइस है, तो ये 170 के प्रीमियम पे आप बिड लगा सकते हो। इसने 10,32,000 शेयर इशू किए हैं 180 रुपये की प्राइस पे मार्केट में, ये एक पब्लिक इशू है। नेक्स्ट जो आईपीओ है वो रुद्राभिषेक इंटरप्राइजेस का है, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रा कंपनी है। इसका इशू ओपन हुआ है 29/6/2018 को और इशू क्लोज होगा 5/7/2018 को। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और जो ऑफर प्राइस है इसकी 41 रुपये, तो ये 31 रुपये के प्रीमियम पे अभी ऑफर किया जा रहा है। इस कंपनी ने 43,38,000 शेयर इशू किए हैं 41 रुपये की शेयर प्राइस पे, ये एक पब्लिक इशू है। तो ये 3 आईपीओज अभी करंटली ओपन है, इनमें अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो। और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप उसका डीआरएचपी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि डीआरएचपी से अपने को बहुत कुछ कंपनी के बारे में नॉलेज मिल जाता है। तो डीआरएचपी रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें आप कंपनी में अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बोनस इशू के बारे में। तो सेम लाइक जैसे अवंती फीड्स ने स्प्लिट अनाउंस किया, उसी तरह से 1:2 का बोनस भी अवंती फीड ने इशू किया है, जो कि एक्स बोनस डेट है इसकी 26/6/2018 से ये अप्लाई हो चुका है। तो अवंती फीड का जो स्टॉक है वो 1:2 का बोनस इशू किया है, तो वो 1:1 स्टॉक 2 स्टॉक में डिवाइड, या फिर 1 स्टॉक के बदले 2 स्टॉक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। तो ये था वीकली रिपोर्ट कि वीक में क्या क्या हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।